हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ गुड वाइब्स के कोरियन जिनसेंग नरिशिंग शीट मास्क के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चला है, नरिशिंग शीट मास्क है तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखता है, बहुत ही ज़्यादा नरिश करता है आपकी स्किन को। तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे कि क्या है इसके क्लेम्स, क्या होता है जिनसेंग और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस मास्क के साथ में। पूरी डिटेल में बात करेंगे, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, तो आप भी पार्टिसिपेट करिए उस गिव अवे में। और सारे रूल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लस आज के गिव अवे का क्वेश्चन रहेगा इसी वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और मेरे गिव अवे के क्वेश्चन को आंसर करके आप भी बन जाइए इसके पार्टिसिपेंट। हो सकता है आप भी जीत जाएँ उस गिव अवे के किसी गिफ्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो बात कर रहे हैं कोरियन जिनसेंग के बारे में। जिनसेंग क्या चीज़ होती है? जिनसेंग है एक हर्ब जो कि यूज़ होता है आपकी एजिंग साइन को कम करने के लिए। जो कोरियन जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसमें मोस्टली जिनसेंग यूज़ होता है। और इसका काम होता है बेसिकली आपकी एजिंग साइन को कम करने में। जो आपके एजिंग साइंस एज के साथ में नज़र आने लगते हैं फेस पर, उन सबको ये रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। ये लिखा हुआ है यूज़ करने का तरीका नॉर्मल, जैसे आप शीट मास्क को निकालते हैं फेस पे लगा के 15-20 मिनट ड्राई आउट करेंगे, फिर उसको शीट को हटा करके आपको मसाज कर लेना है। ये है इसके की इंग्रेडिएंट्स, आप पॉज करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। एमआरपी की बात करें तो 99 रुपीज़ है। 3 इयर्स की शेल्फ लाइफ मिल जाती है, अच्छी खासी शेल्फ लाइफ मिल जाती है इसकी। अब बात कर लेते हैं कि जिनसेंग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये आपके स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट अप करता है, बढ़ा देता है। आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा फर्म कर देगा, रिंकल फ्री स्किन बना देगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज के इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं पूछने जा रही हूँ अपने गिव अवे का क्वेश्चन। तो आज के मेरे गिव अवे का क्वेश्चन है कि इस शीट मास्क से पहले मैंने मेरे चैनल पर कितने और शीट मास्क को रिव्यू किया है। इस शीट मास्क से पहले मैंने मेरे चैनल पे और कितने शीट मास्क को रिव्यू किया है, आंसर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करिएगा। एंड अगर आपको गिव अवे के पार्टिसिपेट करना है तो मेरे जितने क्वेश्चंस, जब से गिव अवे स्टार्ट हुआ है तब से सारे क्वेश्चंस को आपको उन्हीं वीडियोस के नीचे जा करके आंसर करना है। एंड आप भी बन सकते हैं पार्टिसिपेंट। हो सकता है इस दिवाली पर आपके घर भी आ जाए कोई खूबसूरत सा छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, अगर आप करते हैं इस गिव अवे में पार्टिसिपेट। तो बनिए ज़रूर इस पार्टिसिपेशन का हिस्सा, ज़रूर बनिए इस गिव अवे का। और सारे रूल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ में कैसा रहा। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। स्किन आजकल के मौसम में बहुत ही ज़्यादा ड्राई आउट होने लगी है, बहुत ही ज़्यादा सूखी सी खुश्क सी रहने लगी है। ऐसे टाइम पर अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट करता है, नरिश करता है। एकदम आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। बेस्ट पार्ट, अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो इसको रात में लगाएं। रात में 15 से 20 मिनट लगाने के बाद में इसको मसाज करके ओवरनाइट छोड़ दें तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। डे टाइम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि फेस्ट टाइम चल रहा है तो हो सकता है डे टाइम में इतना ज़्यादा टाइम ना मिल पाए। आप फटाफट से अगर काम करेंगे तो रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। बेस्ट है कि आप नाइट टाइम में इसको लगाएं और मसाज करके ओवरनाइट छोड़ दें। जो भी सीरम होगा आपकी स्किन में बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसके रिजल्ट्स आपको नेक्स्ट मॉर्निंग खुद से देखने को पता चलेंगे। खुद आप महसूस करेंगे, फील करेंगे कि कितने अच्छे रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस और ये थी इसकी पूरी डिटेल्स एंड क्लेम्स। दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में और एक नए गिव अवे के क्वेश्चन के साथ में। बने रहिए मेरे चैनल पर। टिल देन, गुड बाय।